तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है इंडिया में और आगे चलकर इंडियन मार्केट में इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं ईवी सेक्टर इन इंडिया। सो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट को बूस्ट मिला है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 जो कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कन्वेंशन में हुई थी। सो आइए जानते हैं कि करंट स्टेट क्या है इंडिया की ईवी मार्केट का। तो अभी 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया के ईवी सेल्स का कंट्रीब्यूशन 1.3% है टोटल कार सेल्स में और इंडिया बाय 2030 एम कर रहा है 30% तक बढ़ाने का विद एस्टिमेट वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम $2 बिलियन इन 2023 टू $7.9 बिलियन बाय 2025। और मार्केट प्लेयर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया में कुछ की प्लेयर्स हैं जैसे टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, महिंद्रा एंड कुछ न्यू कमर्स लाइक एथर एनर्जी, ओकिनावा ऑटोटेक जो कि ईवी सेगमेंट में काफी अच्छे से इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया फैली हुई है और गवर्नमेंट का इंसेंटिव काफी अच्छा पुश दे रहा है स्कीम्स लाइक फेम दैट इज फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, फेम एंड PLI स्कीम्स यानी प्रोडक्शन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड स्टेट ईवी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लाइक रिडक्शन इन GST ऑन EVs, वेरियर्स ऑन रोड टैक्स। कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए ताकि जो ईवी मार्केट का बूम हो रहा है उसे इजिली अडॉप्ट किया जा सके। हमारा अगला पॉइंट है सस्टेनेबल इनोवेशन। कंपनीज लाइक लोहम क्लीन टेक जो कि सस्टेनेबल बैटरी रिसाइकलिंग में काम करती है और एक्सपेंशन प्लान्स टू इंटरनेशनल मार्केट विद पार्टनरशिप विद OEMs ये हमें दिखाता है कि इंडिया में ईवी का बूम आने वाला है आने वाले समय में। और रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुए हैं और कुछ पॉलिसीज आई हैं लाइक गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर रही है फॉर ग्लोबल प्लेयर्स लाइक टेस्ला और उन्हें लोकली प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज कर रही है। तो की टेकअवेज एंड कंक्लूजन, इंडिया का ईवी मार्केट ग्रो हो रहा है और ईवी का पेनिट्रेशन इंडिया में 1.1% है जो कि एशियन एवरेज के काफी ज्यादा कम है। एशियन एवरेज अभी 17.3% चल रहा है और ये इंडिकेट करता है कि ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया के पास, इतनी बड़ी मार्केट है और उसे यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को और भी कई एफर्ट्स करने होंगे। और गवर्नमेंट्स कई ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स लाइक टेस्ला, BMW इन सब के ऊपर इम्पोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है और लोकल प्लेयर्स के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। तो आपके जो इंडिया में ईवी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं उन पर आपको नजर रखनी चाहिए और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। तो ये था आज का धमाकेदार वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।